ठीक है, तो आज हम इंग्लिश का ये चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 7, द इन्वेंशन ऑफ वीटा बॉन्क के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले एक तो ये लिख लो, फिक्शन का मतलब लिख लो यहाँ से। फिक्शन का मीनिंग होता है जो रियल ना हो, जो रियल स्टोरीज नहीं होती उनको हम बोलते हैं फिक्शन। तो अगर लाइब्रेरी में भी जाते हो तो वहां पे भी जैसे एक सेक्शन होता है ऊपर लिखा रहता है फिक्शन, दूसरा सेक्शन होता है उस पर लिखा रहता है नॉन फिक्शन स्टोरीज या नॉवेल्स जो भी। तो फिक्शन बुक्स वो होती हैं, वो किताबें जो मतलब कहानियां, ऐसी कहानियां जो मतलब रियल में एग्जिस्ट ना करती हो, ठीक है, जो कहानी बना बुना के और लिखते हैं ना, वो स्टोरीज नॉवेल्स एक्सेट्रा विच डिस्क्राइब इवेंट्स एंड पीपल दैट आर नॉट रियल। इवेंट मतलब घटनाएं, ऐसी घटनाओं को डिस्क्राइब करते हैं और ऐसे लोगों को डिस्क्राइब करते हैं जो रियल में नहीं है, दैट आर नॉट रियल, मतलब रियल नहीं है, मतलब काल्पनिक है, मतलब इमेजिनेशन है, इमेजिन किया हुआ है कि हाँ ऐसा एक राजा था और एक वो परी थी, इस तरह से कुछ भी इमेजिन करके कुछ भी स्टोरी लिख देना, सोच के इमेजिन करके अपना, ठीक है। तो उनको फिक्शन स्टोरीज कहा जाता है। कहानियां, उपन्यास, उपन्यास मतलब नॉवेल्स। स्टोरीज तो क्या होती है, जैसे एक बुक है तो उसके अंदर 10 स्टोरी हो गई, कितनी भी स्टोरीज हो सकती है, छोटी छोटी स्टोरीज, है ना। लाइब्रेरी में तुमने देखा होगा स्टोरी बुक्स भी होती है, अंदर छोटी स्टोरीज होती है, और जो नोवेल होते हैं, रामायण आती है जो असलियत में थी और हाँ खूब ऐसे उसके मन से। हाँ रामायण तो जैसे हाँ असलियत में थी, हाँ इसको भी मतलब वो नहीं हुआ है कि असलियत थी या फिर फिक्शन है या नॉन फिक्शन है, इस पे भी मतलब कंफर्म नहीं हुआ है, ठीक है। फिर भी अगर जैसे लोग मानते हैं कि असली ही थी, सब कुछ था, सच था ये सब, मतलब फिल्म में आता है कि है ना, कोई भी MS धोनी की पिक्चर आई थी तो उसमें MS धोनी अनटोल्ड स्टोरी। हाँ अनटोल्ड स्टोरी। तो मतलब ये MS धोनी की तो एक तरह से नॉन फिक्शन है, फिक्शन स्टोरी थोड़ी, मनगढ़ंत कहानी थोड़ी बनाई है उसमें, वो नॉन फिक्शन, नॉन फिक्शन है मतलब वो रियल है। फिक्शन होती है जो रियल नहीं होती है। कहानियां, उपन्यास, उपन्यास नोवेल के अंदर क्या होता है, पूरे नोवेल में एक ही मतलब कहानी होती है पूरे नोवेल के अंदर। कहानियां, उपन्यास, कथाएं आदि जो काल्पनिक घटनाओं और व्यक्तियों का वर्णन करते हो, काल्पनिक होती है वो, जो मतलब रियल ना, उनको काल्पनिक बोलते हैं। हिंदी में नॉट रियल को कहते हैं काल्पनिक, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आई डू नॉट रीड मच फिक्शन, कि मैं ज्यादा फिक्शन स्टोरीज नहीं पढ़ता, मैं रियल बेस्ड जो होती है ना, मतलब जो नॉन फिक्शन वाला सेक्शन है ना लाइब्रेरी में, मैं वहां से बुक्स उठाता हूँ। मैं फिक्शन स्टोरीज का मतलब का मुझे शौक नहीं है, क्योंकि फिक्शन में वो इमेजिन करके कुछ भी लिख देते हैं स्टोरी, रियल तो होता नहीं है कुछ भी। तो मुझे नॉन फिक्शन पसंद है। तो ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना, और एक ये वीटा वॉन्ग ये क्या होता है इसको भी यहां से देख लो। तो वीटा वॉन्ग क्या चीज है, द इन्वेंशन ऑफ वीटा वॉन्ग इज अ फिक्शनल स्टोरी। ये एक फिक्शनल स्टोरी है, फिक्शनल मतलब ये एक रियल स्टोरी नहीं है, मतलब इमेजिन की गई है, सोची गई है एक तरह से। मीनिंग दैट थिंग्स, वीटा वॉन्ग मतलब ये एक स्टोरी है, इसका क्या मतलब है, वीटा वॉन्ग का मतलब है कि मीनिंग दैट थिंग्स विच डू नॉट एग्जिस्ट इन रियल, वो चीजें जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, रियल में मतलब नहीं है, जो एग्जिस्ट करना मतलब एक तरह से वो रियल में नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती है, तो कैन एग्जिस्ट इन द स्टोरी, वो स्टोरीज में एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे रियल में अपन एज क्या, -87 कोई एज होती है, -2 कोई एज होती है, रियल में नहीं होती। अपन एज ऐसे बोलते हैं ना, या तो 87 है, प्लस में होती है, मतलब पैदा होते हैं 1 साल का, फिर 2 साल का, फिर 3, ऐसे मतलब पैदा होने के मतलब 1 साल बाद 1 साल, फिर 2 साल, इस तरह से होता है। तो इसमें इसमें क्या लिखा गया है, हेंस इवन दो एज कैन नॉट बी इन माइनस, एज जैसे माइनस में नहीं हो सकती है, बट इन दिस स्टोरी, इन दिस स्टोरी सच एज एग्जिस्ट, लेकिन इस स्टोरी में ऐसी एजेस एग्जिस्ट करती हैं, माइनस वाली एज भी एग्जिस्ट करती है। तो -87 इज रिप्रेजेंटेड एज -87, इट मीन्स दैट अ पर्सन हैज टू वेट फॉर 87 ईयर्स टू बी बॉर्न। तो ये इधर रखे कि -87 एग्जिस्ट करते हैं, ये ध्यान रखना है। वीटा बॉन्ग का क्या मतलब होता है ये लिख लो, सौरभ बुक के ऊपर ही लिख लो, उसमें पेंसिल से, इस वर्ड के ऊपर ही। थिंग्स विच डू नॉट एग्जिस्ट इन रियल लाइफ कैन एग्जिस्ट इन द स्टोरी, ये लिखना है। वो चीजें जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती, वो स्टोरी के अंदर एग्जिस्ट करेंगी या कर सकती हैं, तो इसका मतलब।
इन्वेंशन का मतलब हो गया अपना खोज, इन्वेंशन करना, किसी चीज का पता लगाना। अब इन्वेंशन और डिस्कवर डिफरेंस होता है, इन्वेंशन मीनिंग, यहां से भी लिख लो एक बार, इन्वेंशन मतलब आविष्कार करना। प्रथम बार बनाई गई या डिजाइन की गई वस्तु। अब देखो डिस्कवरी और इन्वेंशन में क्या डिफरेंस है, पहले इन्वेंशन समझा देती हूँ फिर बताती हूँ। अ थिंग दैट हैज बीन मेड और डिजाइन बाय समबडी फॉर द फर्स्ट टाइम। इन्वेंशन मतलब आविष्कार, पहली बार किसी इंसान ने कोई नई चीज बनाई है, नई चीज डिजाइन करी, वो इन्वेंशन। जैसे एक दूसरे की कॉपी कर करके बना लेना, वो तो फिर कॉपी हो गई। इन्वेंशन जिसने पहली बार किसी चीज की खोज करी हो। प्रथम बार बनाई या डिजाइन की गई वस्तु, जैसे कि ये बल्ब का जब आविष्कार हुआ था तो इन्वेंशन बोलते हैं ना, इन्वेंशन ऑफ बल्ब, बल्ब का आविष्कार हुआ। ठीक है, डिस्कवरी क्या होता है, डिस्कवरी मतलब ऑलरेडी वो चीज है, उसकी खोज कर लेना, उसके बारे में पता लगा लेना, वो चीज एग्जिस्ट तो करती है। अब जैसे बल्ब है, बल्ब था थोड़ी कि बल्ब था पहले से और अपने खोज लिया कि हाँ बल्ब जैसी भी कोई चीज होती है, ये तो इन्वेंशन हो गया। इन्वेंशन मतलब आविष्कार करना, आविष्कार करना मतलब कोई भी चीज को पहली बार डिजाइन करना या पहली बार बनाना, प्रथम बार उसको किसी चीज को बनाना या उसका आविष्कार करना। ठीक है, और डिस्कवरी मतलब जैसे इंडिया की डिस्कवरी की थी सी रूट के थ्रू वास्को डिगामा ने। ठीक है, तो इसमें इसने डिस्कवरी की, मतलब इंडिया तो था, एग्जिस्ट करता था पहले से, है ना, बस उसको खोजा है कि हाँ ये इंडिया है। समझ में आ गया सौरभ? डिस्कवरी यस मैम, इन्वेंशन में ये डिफरेंस है। ठीक है, तो इन्वेंशन यस होता है मैम, That has been made or designed by somebody for the first time. प्रथम बार बनाई या डिजाइन की गई वस्तु, या फिर कह लो आविष्कार। The microwave oven is a very useful invention. जो microwave oven बनाए गए हैं, ये मतलब बहुत अच्छा, मतलब यूजफुल इन्वेंशन है। यूजफुल मतलब वो काम में आने लायक। द एक्शन और प्रोसेस ऑफ मेकिंग और डिजाइनिंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। बस इसमें ये ध्यान रखना है, पहली बार कोई चीज बनाई गई हो, कोई चीज डिजाइन की गई हो, तो वो मतलब किसी चीज का आविष्कार किया। अब हम चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, का ये समझा देती हूँ। द इन्वेंशन ऑफ वीटा वॉन्क। इन्वेंशन मतलब आविष्कार, वीटा वॉन्क का आविष्कार मतलब पहली बार वीटा वॉन्क का आविष्कार किया गया। वीटा वॉन्क क्या चीज है, वीटा वॉन्ग के अंदर ऐसी ऐसी मतलब चीजें हैं जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसी ऐसी चीजों के बारे में बात की गई है जो रियल लाइफ में जिनका कुछ लेना देना नहीं है, जो एग्जिस्ट नहीं करती है। हु आर द ओल्डेस्ट पीपल यू नो। तुम कौन है ओल्डेस्ट पीपल जिसको तुम जानते हो, जैसे दादाजी हो गए, ठीक है, परिवार में या अपने आसपास में कोई पड़ोसी है और ओल्डेस्ट मतलब बूढ़ा कोई इंसान, तो जिसको भी आप जानते हो उसके लिए पूछा है कि हु आर द ओल्डेस्ट पीपल यू नो, कि आप किसको जानते हो। वॉट आर द ओल्डेस्ट थिंग्स यू हैव, क्या आपके पास में कोई मतलब उन ओल्डेस्ट थिंग्स के नाम बताओ जो आपके पास में है, इन योर हाउस, आपके घर के अंदर, मतलब पुरानी चीज है जो आपके घर में हो, आपकी सिटी में हो, टाउन में हो, या आपके विलेज में हो, पुरानी पुरानी चीजें जो पहले हुआ करती थी, ऐसी कोई चीज है। हाउ ओल्ड आर दे, और वो कितनी पुरानी है, 10 साल पुरानी है, 20 साल पुरानी है, 30 साल, कितने पुरानी है, मतलब ये बताओ। जो भी पुरानी चीजें उन तुम्हारे हाउस में या सिटी में या टाउन में या विलेज में, उनका नाम लिखो, कितने कितने साल पुरानी है वो लिखो, और कोई जो ओल्डेस्ट पर्सन है जैसे दादा दादी कोई भी है तो उनका नाम लिखो। हैव यू एवर विश्ड दैट यू वर ओल्ड, क्या आपने कभी मतलब विश किया है कि आप भी मतलब बूढ़े होगे या बूढ़े हो जाओगे, इस तरह से विश किया है कभी आपने। हैव यू विश्ड दैट यू कुड ग्रो अप इन अ हरी, तो क्या आपने कभी ऐसा किया कि आप जल्दी बड़े हो जाओ, जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ। अपन जब छोटे होते थे ऐसे करते रहते ना कि जल्दी से बड़े हो जाते हैं, और फिर तो उसके बाद तो कॉलेज जाएंगे, कितना अच्छा लगेगा, वाह जल्दी से स्कूल खत्म हो जाए, इस तरह से जब छोटे होते तो अपन, फिर बड़े हो जाते तो सोचते यार बचपन में ही कितने मजे आते थे, वापस बच्चे हो जाए काश, तो इस तरह से। तो यही लिखा है, हैव यू एवर विश्ड दैट यू वर ओल्डर, और हैव यू विश्ड दैट यू कुड ग्रो अप इन अ हरी, कि मतलब मैं जल्दी जल्दी बड़ा हो जाऊं, क्या आपने कभी ऐसा विश किया जल्दी से बड़ा हो जाऊं। द इन्वेंशन ऑफ वीटा वॉन्ग, अब वीटा वॉन्ग की क्या क्या आविष्कार थे, क्या क्या आविष्कार किए थे, मतलब ये फिक्शन स्टोरी है एक तरह से, रियल में इसका कुछ लेना देना नहीं है। मिस्टर विली वॉन्ग बिगिंस बाय इन्वेंटिंग वॉन्ग का वाइट
विच मेक्स पीपल यंगर. तो मिस्टर विली के नाम है, ये एक पर्सन है, एक आदमी है. तो मिस्टर विली वोंका एक पर्सन है. बिगिन्स, बिगिन्स मतलब स्टार्ट करना किसी चीज को, शुरू करना, ठीक है, बिगिन. तो बिगिन्स बाय इन्वेंटिंग वोंका व्हाइट. तो इन्होंने वोंका व्हाइट का इन्वेंशन किया, आविष्कार किया, जिससे क्या होता है, विच मेक्स पीपल यंगर, जो लोगों को छोटा बना देती. जैसे मैं हूं तो मेरी एज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, मैं इसको पी लूंगी या इसको कैसे यूज करना है भी नीचे आ जाएगा. तो इस ऐसी चीज बनाई, वोंका व्हाइट एक ऐसी चीज है जिससे लोग क्या है, छोटे हो जाएंगे. जैसे मैं जितनी एज की हुई उससे मैं छोटी हो जाऊंगी, यंगर हो जाऊंगी. यंगर मतलब होता है छोटा, ओल्डर का मतलब होता है बड़ा. ओल्डर अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था ना, ओल्डर क्या मतलब होता है, बड़ा. जैसे अभिमन्यु क्या है, ओल्डर है तुमसे, तुमसे बड़ा है. एल्डर भी कह सकते हैं, ओल्डर का भी यूज कर सकते हैं. ओल्डर मतलब होता है अपन से बड़ा, और यंगर मतलब होता है देन मी एंड आई एम यंगर देन अभिमन्यु. हाँ, यस, यू आर यंगर देन अभिमन्यु एंड ही इज ओल्डर देन, और एल्डर वो तुमसे बड़ा भी है, तो एल्डर देन यू हो सकता है. विच मेक्स पीपल यंगर, तो इसने एक ऐसी चीज बनाई जो लोगों को यंगर बना, छोटा बना देता था, यंगर. तो ऐसी चीज अगर रियल में बन जाए तो सब लोग खरीदना चाहेंगे उसको, कि हमको भी दो, हमको भी दो, हम भी यंगर होना चाहते हैं, छोटे होना चाहते हैं वापस से, जो बूढ़े बूढ़े हो जाते 50-60 साल के. तो बूढ़ा तो कोई नहीं होना चाहता ना, बूढ़ा तो कोई होना ही नहीं चाहता है. तो सब पी पी के सब यंग हो जाते वापस, अगर रियल में होती. तो इसने ऐसी चीज का आविष्कार किया, ठीक है. बट वोंका व्हाइट इज टू स्ट्रॉन्ग, लेकिन जो वोंका व्हाइट जो थी ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी. मतलब कोई पीने की दवाई होगी, कुछ बनाया होगा इसने लिक्विड जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था. तो अभी आगे पता क्या बनाया. तो सम पीपल बिकॉज देयर एज बिकम्स माइनस. तो ये इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि मतलब अगर थोड़ा सा भी इसको पी लिया जाता था, some people disappear. Disappear मतलब गायब हो जाना. Appear का मतलब होता है दिखाई पड़ना. ये appear है ना, इसका मतलब दिखाई पड़ना. Disappear इसका opposite हो गया. Opposite मतलब इसका उल्टा हो गया. Disappear मतलब गायब हो जाना. तो some people disappear. कुछ लोग तो गायब भी हो जाते थे पी के, क्योंकि उनकी एज माइनस में चली जाती थी. बिकॉज देयर एज बिकम्स माइनस, उनकी एज माइनस में चली जाती, और माइनस में चली जाती थी वो गायब हो जाते थे. One person actually becomes minus 87. एक पर्सन था जिसने मतलब इस वोंका व्हाइट को पी और वो माइनस 87 में चला गया, मतलब माइनस 87 की एज में चला गया. विच मीन्स ही हैज गॉट टू वेट 87 ईयर्स बिफोर ही कैन कम बैक. इसका क्या मतलब हुआ, ही हैज गॉट टू वेट 87 इयर्स बिफोर ही कैन कम बैक. अब मतलब वो जैसे सपोज वो अर्थ से गायब हो गया, डिसअपियर हो गया, तो उस माइनस 87 में चला गया. अब उसको कितने साल चाहिए, वो 87 साल बाद वो अर्थ पे अपियर होगा, दिखाई देगा, मतलब वापस 87 साल बाद. माइनस 87 में चलाएगा जब मतलब वो वन का होगा ना, मतलब माइनस में जाते वो डिसअपियर हो जाते, माइनस में जाते चीजें दिखाई देना बंद कर देती है. तो जब वो वन का होगा को दिखाई देना स्टार्ट हुआ. तो ये यहाँ पे लिखा है, विच मीन्स ही हैज गॉट टू वेट 87 इयर्स. उसको वेट करना पड़ेगा, उसको इंतजार करना पड़ेगा बिफोर ही कैन कम बैक, वापस आ सके. तो उसको 87 इयर्स के लिए वेट करना पड़ेगा. मिस्टर विली वोंका मस्ट इन्वेंट अ न्यू थिंग. मिस्टर विली वोंका को एक नई चीज इन्वेस्ट करनी चाहिए, करनी पड़ेगी. मतलब कि वो माइनस में चला गया बेचारा, उसको वापस लाना है. उसके घर वाले कह रहे हैं वापस लेके आओ, उसको माइनस में भेज दिया तुमने, कहां उसको गायब ही कर दिया. छोटा बनाने के लिए हम तो लेके आए थे, तुमने तो गायब ही कर दिया उसको, वापस लेके आओ उसको. तो अब मिस्टर विली वोंका को उसे वापस लाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा. मिस्टर विली वोंका मस्ट इन्वेंट अ न्यू थिंग. उनको कोई नई चीज खोजनी पड़ेगी जिससे वो वापस आ जाए. सेट टू वर्क का मतलब होता है बिगिन टू वर्क. Set to work मतलब काम चालू कर दो. Began forms भी लिखते जाओ सौरभ. ये बहुत सारी जो भी चीजें मैं पढ़ा रही हूँ बहुत बहुत काम की चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट है. सबको ध्यान से सुनना है, ध्यान से लिखना है सबको. Begin होता है शुरू करना, आई आता है जो पहले था ना यहाँ पे begin. Begin का मतलब start करना किसी भी चीज को. ये रहा begin मतलब start करना, ये इसकी second form है began.
ठीक है, थर्ड फॉर्म होती है बिगन, यू आ जाता है यहाँ पे यू, तो ये होती है फर्स्ट फॉर्म बिगिन, मतलब शुरू करना किसी भी काम को, किसी भी चीज को शुरू करना, बिगैन होती है सेकेंड फॉर्म, और बिगन यू आ गया तो हो गई थर्ड फॉर्म, तो ये सेकेंड फॉर्म है बिगिन की। सेट टू वर्क का मतलब होता है बिगिन टू वर्क, बिगैन टू वर्क मतलब काम को चालू करना। रेसिपी होती है इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग समथिंग, रेसिपी किसी भी चीज की रेसिपी, कि यार तूने ये छोले कैसे बनाए इसकी रेसिपी बताना, रेसिपी मतलब कैसे बनाए पूरा बता, पहले तेल डाला फिर उसमें जीरा डाला फिर राई डाली फिर हींग डाली फिर उसमें प्याज डाली, जो भी पूरी जो रेसिपी है पूरी बता मुझे कैसे बनाया तूने, मतलब इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग समथिंग, कुछ बनाने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, जो भी निर्देश दिए जाते हैं वो रेसिपी कहलाती है, कि छोले की रेसिपी बताओ, जैसे इस मिस्टर वोंका ने यहाँ पे ये जो बनाया है इसकी रेसिपी, वोंका वाइट जो बनाई है इसने, इसकी रेसिपी क्या है, रेसिपी मतलब कैसे बनाई है उसने, पहले क्या डाला फिर पानी डाला फिर कौन कौन से केमिकल्स मतलब मिला मुलू के ये बताओ। ठीक है, मिस्टर वोंका सैड, मिस्टर वोंका ने कहा, सो वंस अगेन आई रोल्ड अप माई स्लीव्स एंड सेट टू वर्क। तो मिस्टर वोंका ने कहा कि वंस अगेन एक बार और, आई रोल्ड अप माई स्लीव्स, स्लीव्स मतलब अपनी जो बाजुए होती है, जो अपनी शर्ट होती है उसकी जो बाजू होती है उनको स्लीव्स बोलते हैं। ठीक है, शर्ट की बाजू या किसी की भी बाजू, कॉपर की बाजू, हिंदी में अपन बाजू बोलते हैं और वैसे स्लीव्स बोला जाता है। तो जो स्लीव्स है इनको रोल्ड अप किया, मतलब ऊपर मोड़ नहीं लेते हैं, मोड़ के जब लड़ाई करने जाते हैं तो ऊपर पूरा मोड़ लेते हैं, आ जाओ कौन आ गए लड़ने के लिए, है ना, तो रोल्ड अप कर ली स्लीव्स को, आई रोल्ड अप माय स्लीव्स, या फिर अपन कोई काम करते हैं तो भी अपन ऊपर कर लेते हैं स्लीव्स को, तो ये काम करने जा रहा था तो इसने ही रोल्ड अप, आई रोल्ड अप माई स्लीव्स, मैंने अपनी बाजुओं को ऊपर की तरफ मोड़ लिया, रोल कर लिया, एंड सेट टू वर्क, और मैं काम में लग गया। Once again, I squeezed my brain. Squeeze करना मतलब किसी को भी एकदम दबा देना, पिचका देना, squeeze का ये मतलब होता है, यहां से भी इसको लिखो, निचोड़ देना, जैसे अपन जब नींबू को निचोड़ देते हैं ना तो उसको squeeze बोलते हैं, संतरे को निचोड़ के जूस बनाते हैं, squeeze करना मतलब कसकर दबा देना या निचोड़ देना, देखो किसी वस्तु को कसकर दबाना, टू प्रेस समथिंग हार्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, किसी चीज को मतलब कसकर दबा देना, जैसे टू स्क्वीज अ ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट, टूथपेस्ट जब अपना खत्म हो जाता है तो अपन सोचते थोड़ा सा और निकल जाए, अपन उसको अच्छे से दबा दबा के मतलब स्क्वीज करते हैं उसको, अच्छे से प्रेस करते हैं कि थोड़ा सा तो निकल जाए आज, आज के लिए फिर कल नया लेके आ जाएंगे, टू स्क्वीज अ ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट, तो मतलब किसी वस्तु को कसकर दबाना, to force somebody something into or through a small space, थोड़ी सी जगह में या में से किसी को जबरदस्ती बैठाना या निकालना, the act of pressing something firmly, कसकर दबाने की क्रिया, दबाकर निकाले गए रस की मात्रा, देखो a squeeze of lemon, lemon मतलब अपना नींबू या फिर ऑरेंज संतरा, इनके लिए स्क्वीज का वर्ड यूज किया जाता है, द अमाउंट ऑफ लिक्विड दैट यू गेट फ्रॉम स्क्वीजिंग एन ऑरेंज या फिर लेमन, लेमन को अपन दबाकर निचोड़ते ना जब जूस बनाते तो हाथ से, तो उसको स्क्वीज करते हैं अपन, लेमन को स्क्वीज कर दिया एक तरह से, या ऑरेंज को स्क्वीज कर दिया उसका जूस निकालने के लिए, तो किसी चीज को दबाना। ठीक है, आगे चलो, ये लिख लो बस, किसी वस्तु को कसकर दबाना, और इंग्लिश में लिख लो, टू प्रेस समथिंग हार्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, किसी को दबाना। तो आई स्क्वीज्ड माय ब्रेन, वंस अगेन आई स्क्वीज्ड माय ब्रेन सर्चिंग फॉर न्यू रेसिपी, अब इसमें ब्रेन के लिए रुको, यहाँ पे और भी मीनिंग्स थे ना, effort to use less money, time, etc. Especially with the result that there is not enough. पैसा समय आदि के कम उपयोग का प्रयास। हाँ, इसमें अपन ये कह सकते हैं अपने वाले में कि पैसा मतलब दिमाग को उसने स्क्वीज करा कि एक तरह से दिमाग वो करा बहुत ज्यादा यूज करा कि
सर्चिंग फॉर द न्यू रेसिपी, नई रेसिपी सर्च करने के लिए उसने अपने दिमाग पे मतलब दबाव लगाया, जोर डाला अपने दिमाग पे कि नई रेसिपी कैसे सर्च करूं कि मतलब वो वापस आ जाए, कोई कोई चीज जो गायब हो चुकी है वो वापस आ जाए. तो सर्चिंग फॉर न्यू रेसिपी, नई रेसिपी सर्च करने के लिए उसने अपने माइंड को, अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को स्क्वीज करा, मतलब दबाव डाला अपने दिमाग पे. आई हैड टू क्रिएट एज, मतलब मुझे एज क्रिएट करनी, क्रिएट करना मतलब किसी चीज को मतलब बनाना एक तरह से, एज क्रिएट करनी थी उसको. टू मेक पीपल ओल्ड, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट. हाँ मतलब लोगों को ओल्ड बनाने के लिए अब उसको चाहिए था, क्योंकि यंगर बनाने के लिए तो उसने खोज लिया और उससे इतना यंगर बना दिया कि वो डिसअपियर ही हो गया बेचारा, माइनस में चला गया. अब उसको ऐसी दवाई बनानी है, ऐसी चीज बनानी है कि वो लोगों को ओल्ड बना सके, मतलब जैसे कोई 10 वो 11 12 बड़ा बना सके, मतलब उसको बड़ा बड़ा कर सके, जैसे जो माइनस में चले गए उन बेचारों को वापस प्लस में ताकि ला सके. आई क्राइड फॉर नाउ द आइडियाज वर बिगिनिंग टू कम, मतलब आइडियाज उसके दिमाग में आने लग गए थे. व्हाट इज द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे पुरानी चीज, ओल्डेस्ट लिविंग थिंग जो मतलब लिविंग है लेकिन सबसे पुरानी है और जो अभी तक जिंदा है, तो ऐसी चीज उसने सोचने लगे, ऐसी क्या चीज है. व्हाट लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स, मतलब क्या चीज है जो मतलब बहुत ही लंबे समय तक रहती है, जो दूसरे लोगों से कंपेयर किया जाए तो वो चीज बहुत लंबे समय तक मतलब रहती है, तो ऐसी क्या चीज है. वो सोचने लगा, अब उसने सोच, ट्री, पेड़, पेड़ ऐसी चीज है जो बहुत लंबे लंबे समय तक रहते हैं, कि जब मतलब मैं था तब भी ये पेड़ था, फिर मतलब मेरे दादा थे तब भी था, पापा थे तब भी था, मैं आया तब भी, और फिर आगे बच्चे हुए तो तब भी ये पेड़, कितना पुराना पेड़ है. तो पेड़, पेड़ सबसे ओल्डेस्ट थिंग है, ट्री. चार्ली सेड, चार्ली ने कहा, राइट, तो ये कह रहा है कि हाँ तुम सही हो चार्ली, बट वॉट काइंड ऑफ अ ट्री, लेकिन किस प्रकार का पेड़, कैसा पेड़. नॉट द डॉगलास फिर, फिर कौन से पेड़ होते हैं ये इस तरह के, देखो, अ ट्री विद नीडल लाइक लीव्स, उनकी जो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं नीडल के जैसे. ब्रिटल पाइन कोन. हाँ, ब्रिटल पाइन कोन. हाँ, लीव्स और कोन इसके जैसी जो वो होती, मतलब नीडल के जैसी लीव्स एंड कोन्स, और कोन्स होती है, इन सब पेड़ों को हम बोलते हैं फिर ट्री, फिर ट्री बोला जाता है इनको. ये कई सारे ट्री दिखा रखे हैं यहाँ पे, इनमें से अच्छा बस इतना ही है चैप्टर, और सॉरी ठीक है. फिर ट्री अपना ये हो गया जिसमें लीव्स जो होती है निडल्स के जैसे लीव्स होती हैं और कोन्स. फिर ओक ट्री, ओक ट्री कैसा होता है, अ फैमिली ऑफ लार्ज ट्रीज द हार्ड, ये क्या होती है, मतलब बहुत ही लार्ज ट्री है, ये देखो कितना बड़ा दिख रहा है, ठीक है, बहुत ही लार्ज ट्री होता है विद अ हार्ड वुड, इसकी जो वुड होती है, इसकी जो लकड़ी होती है वो बहुत ही हार्ड होती है. द चिनार इन कश्मीर इज अ काइंड ऑफ ओक ट्री, चिनार कश्मीर के अंदर जो है वो ओक ट्री ही है एक तरह का. अब एवरग्रीन ट्री विद हार्ड रेड स्वीट स्मेलिंग वुड, एवरग्रीन ट्री है, एवरग्रीन मतलब हमेशा हरा रहता है, सदा हमेशा ग्रीन रहता है, इसकी हार्ड, इसकी जो वुड है लकड़ी है वो कैसी है, हार्ड है, मजबूत है. रेड स्वीट स्मेलिंग, लाल कलर की है और स्वीट, बहुत ही अच्छी खुशबू देती है. Used for making boxes, pencil, fences, etc. Box बनाने के काम में आती है, pencils बनाने के काम आती है, fence मतलब जो बाड़ होती है, बाड़ लगाते हैं ना खेतों के चारों तरफ ताकि कोई जंगली जानवर ना आ जाए, कोई बाहर से कोई भी ना आ जाए. फेंसिंग करना मतलब बाड़ लगा देना खेत के चारों तरफ, हम वायर की फेंसिंग कर देते हैं कुछ लोग कांटों वाले वो डाल देते हैं, कांटों के जो भी कांटों की लकड़ियां होती है वो डाल देते हैं, तो फेंस के लिए काम आती है. पाइन, एन एवरग्रीन ट्री, ये पाइन ट्री है, ये भी एवरग्रीन होता है, हमेशा सदा हरा रहता है, विद नीडल शेप्ड लीव्स एंड कोन्स, ये भी फिर ट्री के जैसा ही है, इसकी भी जो लीव्स होती है नीडल शेप की होती है और कोन्स होते हैं इसके अंदर. फ्ली, अ स्मॉल इंसेक्ट लिविंग ऑन द स्किन ऑफ एनिमल्स फॉर देयर ब्लड, फ्ली क्या होता है,
एक तरह का स्मॉल इंसेक्ट है, छोटा सा, मतलब कोई कीड़ा मकोड़ा है, कोई कीड़ा है छोटा सा, लिविंग ऑन द स्किन ऑफ एनिमल्स. एनिमल की स्किन में नहीं रहता, जैसे अपने हिंदी में जो अपने डॉग्स कुत्ते होते हैं, तो उनके भी स्किन के अंदर. मुखटमल, हाँ मुखटमल हाँ खटमल तो कुत्ते में थोड़ी रहता है, कुत्ते में जो रहता है अपन, मतलब उसको लोकल लैंग्वेज में बिग्गी कहा जाता है, बिग्गी, कुत्ते के अंदर बिग्गू, इस तरह से कुछ नाम बोलते हैं उसको, बिग्गी या बिग, है ना. तो फ्ली अ स्मॉल इंसेक्ट लिविंग ऑन द स्किन ऑफ एनिमल्स फॉर देयर ब्लड, उनका खून चूसता है, उनके मतलब स्किन में रहता है. देखो इसको हिंदी में, यहाँ पे देख लेते हैं इसको क्या बोलते हैं. हमारे लोकल लैंग्वेज में तो इसको बिग्गी बोलते थे, जो कुत्तों के अंदर पाए जाते हैं जो कीड़े, बिग्गू बिग्गू। बोलते हैं उनको. फ्ली, यहाँ देख लेते हैं इसमें बिग्गू तो नहीं, इसमें कुछ और लिखा. अ वेरी स्मॉल जंपिंग इंसेक्ट विदाउट विंग्स दैट लिव्स ऑन एनिमल, फॉर एग्जाम्पल कैट्स एंड डॉग्स. फ्लीज बाइट पीपल एंड एनिमल एंड मेक देम स्क्रैच, मतलब उनको तरह से वही एनिमल्स होते हैं जो मतलब स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, इनके विंग्स नहीं होती, पंख नहीं होती इनके, और ये एनिमल्स में रहते हैं, जैसे कैट और डॉग्स में. डॉग्स में तो बहुत मिल जाते हैं अपन को. एक पंखहीन कीट जो पशुओं और मनुष्य के शरीर में बसेरा बना लेता है, इसके काटने से खुजलाहट होती है, पिस्सू बोलते हैं इसको हिंदी में, हम तो हमारी लोकल लैंग्वेज में इसको बिग्गू बोलते थे. ठीक है आगे चलते हैं. तो फ्ली एक तरह का इंसेक्ट होता है जो कि डॉग में जो होता है उसको फ्ली बोलते हैं, ये ध्यान रख लो. डॉग और कैट में भी, कैट पालते नहीं है ज्यादा, तो अपन लोग डॉग ही पालते हैं, तो डॉग का अपन को ध्यान है कि हाँ डॉग की स्किन में तो होता है भाई, कुछ ना कुछ तो इंसेक्ट होता है जो उसको मतलब खुजली करता रहता है ना डॉग, इसीलिए तो यहाँ खुजली वहां खुजली बेचारा बार बार, उनके ब्लड के लिए, उनके उनके ब्लड को भी वो चूसता है वो इंसेक्ट. तो अब ये इतने सारे पेड़ है, तो ये पूछ रहा है मिस्टर, जो मिस्टर वोंका है, ये पूछ रहे हैं किससे, चार्ली से. मिस्टर वोंका चार्ली से पूछ रहे हैं कि कौन सा, किस तरह का पेड़. नॉट द डॉगलास फिर, डॉगलास फिर की बात मत करना, नॉट द ओक, ओक भी नहीं हो सकता, नॉट द सिडार, जी जितने भी नीचे दे रखे सबके नाम ले लिए इसने, नॉट द सिडार, सिडार भी नहीं होगा. नो नो माई बॉय, इट इज अ ट्री कॉल्ड द ब्रिस्टलीकॉन पाइन दैट ग्रोज अपॉन द स्लोप्स ऑफ व्हीलर पीक इन नेवाडा यूएसए. यू कैन फाइंड ब्रिस्टलीकॉन पाइन्स ऑन व्हीलर पीक टूडे दैट आर ओवर 4,000 ईयर्स ओल्ड. फैक्ट चार्ली. तो ये क्या कह रहे हैं, इन पेड़ों का नाम मत लेना. चार्ली ने बोला कि कोई पेड़ हो सकता है जो पुराना, तो पेड़ ही होता है, कितने कितने सालों तक जीवित रहता है पेड़. तो ये कह रहा है कि डॉगलास फिर, मतलब फिर पेड़ का नाम मत लेना, ओक भी नहीं हो सकता है, सिडार भी नहीं हो सकता है. नो नो माय बॉय, इट इज अ ट्री कॉल्ड, ये वाला ट्री हो सकता है, ब्रेस्टली कॉर्न पाइन दैट ग्रोज अपॉन द स्लोप्स ऑफ व्हीलर पीक इन नावेड़ा, नावेड़ा के अंदर जो व्हीलर पीक है उसके स्लोप्स पे, ढलानों पे होता है ये, यूएसए के अंदर ये वाला जो पेड़ है, ये पेड़ का नाम है ब्रिस्टली कॉर्न पाइन. ठीक है, तो ये पेड़ है, ये पेड़ 4,000 साल पुराना है, मतलब. तो यू कैन फाइंड ब्रिस्टली कॉर्न पाइन्स ऑन व्हीलर्स पीक टूडे, तुम्हें आज भी मिल जाएंगे ये पेड़, ये व्हीलर्स पीक पे आज भी तुम्हें मिल जाएगा ये ब्रिस्टली कॉर्न पाइन्स. तो इसको सौरभ, इसको टिक कर लेना 100%. और जिसका भी पेपर होगा ना, तो वो मेरे से, मैं क्वेश्चंस बता दूंगी इसमें, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे बता दूंगी, उससे बाहर तो नहीं आएगा, जो मैं बताऊंगी ना सारे, मोस्टली सारे बता दूंगी मैं, 90%. ठीक है, तो इट इज अ, तो ये वाला ट्री है ब्रिस्टली कॉर्न पाइन्स, तो इसको टिक कर लो, इसका नाम पूछा जा सकता है. ऑन व्हीलर, ये कहाँ पे है, व्हीलर पीक ये नेवाड़ा यूएसए के अंदर, यूएसए में एक जगह है नेवाड़ा, नेवाड़ा में एक पीक है, मतलब चोटी कह लो, पीक मतलब चोटी, पहाड़ी, पहाड़ी की जो चोटी होती है. ठीक है, व्हीलर पीक है, इसकी स्लोप मतलब इसके ढलान पे लगा हुआ है ये पेड़, और ये पेड़ तुम्हें आज भी मिल जाएगा, दैट आर ओवर 4,000 ईयर्स ओल्ड, 4,000 साल पुराना. तो कितने, 4,000 साल तक जीता है ये पेड़, है ना. अपन तो 100 साल, 150, पहले वाले लोग 150 तक
तक पहुंच जाते थे, उससे ऊपर भी चले जाते थे। आजकल के लोग तो 60, 70, 80, 100 मैक्सिमम जीते। तो ये देखो 4,000 ईयर्स तक ये प्लांट, मतलब ये पेड़, ये ट्री जीवित है। दिस इज फैक्ट चार्ली, मतलब ये एक फैक्ट है, ये एक तथ्य है। तथ्य है मतलब एक तरह से ये चीज सही है, ये कह लो। आस्क एनी डेंड्रो क्रोनोलॉजिस्ट हु लाइक एंड लुक 4,000 ईयर्स ओल्ड। हाँ तो ये ध्यान रखना है, एक तो इस पेड़ का नाम ध्यान रखना है, कहाँ पे पाया जाता है, व्हीलर पीक ये नेवाड़ा यूएसए में पाया जाता है। इस पेड़ का नाम है ब्रिस्टली कॉन पाइन्स, ये पेड़ का साल 2000 है। हाँ क्या कह रहे हो? अभी तक तो मैम साल ही 2000 है। हाँ अभी तक तो साल ही 2000, 4,000 साल नहीं तो वो पहले साल यहाँ से पहले से भी स्टार्ट हो गए थे ना ईयर्स, वो तो क्रिश्चियंस के अकॉर्डिंग ऐसा कर रखा है ये इन्होंने। अभी 4,000 ईयर्स पुराना है ये, वो तो जब क्रिश्चियंस आए तो उन्होंने कैलेंडर निकाला तब से साल स्टार्ट हुआ, 1, 2, 3, 4 इस तरह से। उससे पहले भी था सब कुछ, उससे पहले भी तो अर्थ पे मतलब जीवन था। 4,000 ईयर्स ओल्ड है ये पेड़, तो ये फैक्ट है चार्ली को ये कह रहा है कि दिस इज फैक्ट चार्ली। तो मिस्टर वोंका चार्ली को कह रहे हैं कि ये एक फैक्ट है। आस्क एनी डेंड्रो डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट, डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट का भी लिख लो, ये पेड़ों के बारे में जो स्टडी करते हैं उनको कहते हैं। यहां से इसको लिख लो डेंड्रो, यहाँ से देख लेते हैं, जरा आ नहीं रहे यहाँ, यहाँ से देख लो। डेंड्रोक्रोनोलॉजी डेफिनेशन, मीनिंग मीनिंग ऑफ डेंड्रोक्रोनोलॉजी इज द साइंस ऑफ डेटिंग इवेंट्स एंड वेरिएशन इन एनवायरनमेंट इन फॉर्मर पीरियड्स बाय कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ग्रोथ रिंग्स। ये लिख सकते हैं द स्टडी ऑफ ग्रोथ रिंग्स ऑन ट्रीज रिलेटिंग टू स्टडी ऑफ पास्ट एनवायरमेंट्स इज अनदर साइंटिफिक डिसिपल यूजफुल। द स्टडी ऑफ द एनुअल रिंग ऑफ ट्रीज एंड द यूज ऑफ दीज इन डेटिंग पास्ट इवेंट्स डीलिंग विद द एनुअल रिंग ऑफ द ट्रीज इन डिटरमाइनिंग द डेट्स एंड क्रोनोलॉजी ऑर्डर ऑफ पास्ट इवेंट्स। हाँ मतलब यही है, स्टडी ऑफ एनुअल रिंग ऑफ ट्रीज यूज्ड स्पेशली टू डेट इवेंट्स। ये लिख लो यहाँ से द स्टडी ऑफ एनुअल रिंग्स ऑफ ट्रीज एंड द यूज ऑफ दीज इन डेटिंग पास्ट इवेंट्स। मतलब एक तरह से ट्रीज को अपन यूज करके कि ये पेड़ था तो उस टाइम ये घटना हुई थी, मतलब जब ये यहाँ पे था छोटा था ऐसे। द स्टडी ऑफ एनुअल रिंग्स ऑफ द ट्रीज एंड द यूज ऑफ दीज इन डेटिंग पास्ट, तो एक तरह से ट्रीज की ही स्टडी करना, ठीक है। तो आस्क एनी डेंड्रोनोलॉजिस्ट यू लाइक, तुम किसी भी डेंड्रोलॉजिस्ट से पूछ लो एंड लुक दैट वर्ड अप इन द डिक्शनरी व्हेन यू गेट होम, या फिर तुम जब घर जाओ तो इस
मतलब डिक्शनरी में देख लो, विल यू प्लीज, मतलब क्या तुम ऐसा करोगे, मतलब ऐसा करना. सो दैट स्टार्टेड मी ऑफ. आई जम्प्ड इनटू द ग्रेट ग्लास एलिवेटर एंड रश्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड कलेक्टिंग स्पेशल आइटम्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स. तो इसने स्टार्ट कर दिया अपना काम. सो दैट स्टार्टेड मी ऑफ. आई जम्प्ड इनटू द ग्रेट ग्लास एलिवेटर. ग्रेट ग्लास एलिवेटर कोई मशीन होगी, कोई चीज होगी, उसके अंदर वो जम्प कर गया. एलिवेटर होता है ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है. एलिवेटर, एलिवेट करना मतलब ऊपर की तरफ बढ़ना, एलिवेटर बोलते हैं अपन उसको. तो यहां से भी लिखो, जो अपने मॉल्स के अंदर एलिवेटर लगे रहते हैं, यहां से भी लिख लो. सीढ़ियां जो लगी रहती है मॉल्स में, अपन खड़े हो जाते हैं वो ऊपर ले जाती है अपन को, एलिवेटर. लिफ्ट का भी यूज करते हैं अपन, लिफ्ट से भी ऊपर जाते हैं ना, तो ये सब एलिवेटर्स कहलाते हैं. A platform, a platform or compartment housed in a shaft for raising and lowering people or things to different levels. A lift. Lift कह लो, जैसे मॉल्स के अंदर तुमने देखा होगा एक सीढ़ी ऊपर जाती है एक सीढ़ी नीचे की तरफ आती है ना, तो उनको हम एलिवेटर्स बोलते हैं. और जो जो अपनी ये लिफ्ट होती है ये भी एलिवेटर होती है, ये भी वही काम करती है, ऊपर ले जाती है ऊपर फ्लोर पे या नीचे फ्लोर पे, ठीक है, ये भी वही काम करते हैं. तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, एलिवेटर्स बोलते हैं, जो अपन को लोगों को ऊपर नीचे ले जाने के जो काम आते हैं. तो अब ये कहाँ पे कूद गया, ही जम्प्ड इनटू द ग्रेट ग्लास एलिवेटर. तो इसकी कोई मशीन होगी ग्रेट ग्लास एलिवेटर, तो उसमें ये कूद गया. एंड मतलब कूद गया मतलब उसमें बैठ गया. एंड रश्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और पूरे वर्ल्ड में मतलब पूरे संसार में, मतलब वो रश करना मतलब एक तरह से भाग दौड़ के फटाफट पूरे संसार में से वो चीजें कलेक्ट कर लाया. कलेक्टिंग स्पेशल आइटम्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग, जो पुरानी पुरानी लिविंग थिंग्स हैं, तो वहां से स्पेशल अपने आइटम्स सारे ले आया, मतलब सारे इंग्रेडिएंट्स लेके आ गया कि अब मैं वो दवाई बनाऊंगा. तो अपनी उसमें मशीन में कूदा, पूरे संसार में घूम घाम के फटाफट और लेके आ गया. तो इसने ऐसी मशीन बना रखी थी जिससे फटाफट पूरे वर्ल्ड में घूम सके वो. अब क्या क्या लेके आया वो, अ पॉइंट ऑफ स्टेप फ्रॉम अ 4000 ईयर ओल्ड ब्रिस्टली कॉन. तो एक 4000 साल पुराना जो ब्रिस्टली कॉन पाइन पेड़ था, उसमें से क्या लेके आ गया, पॉइंट ऑफ सैप. सैप मतलब अपन जूस को बोलते हैं, पॉइंट मतलब उसका अमाउंट. पॉइंट जैसे बॉटल होती है, मतलब अमाउंट ऑफ लिक्विड को मेजर किया जाता है पाइंट में भी. तो ये सब यहाँ से लिख भी लो एक बार क्या क्या था. सैप मतलब जो लिक्विड होता है, जो उसको बोला जाता है सैप. देखो यहाँ पे द फ्लूइड विच, यहाँ से नहीं, यहाँ से The liquid in a plant or tree. तत्व पेड़ों या पौधों में स्वयं निकलता हुआ रस. पेड़ों और पौधों में से रस निकलता है, जैसे गोंद भी निकलता है. गोंद तो देखा होगा आपने, मतलब हमारे तो गांव में गोंद लगता था, है ना, पेड़ों में गोंद निकलता था, मतलब उनके वहां पे लगा रहता था, चिपका रहता था. अपना तो फर्स्ट वाला ही है, ये भी पढ़ लेते हैं. टू मेक समबडी समथिंग वीकर टू डिस्ट्रॉय समथिंग ग्रेजुअली. किसी को कमजोर कर देना या धीरे धीरे नष्ट कर देना, किसी को कमजोर करना धीरे धीरे नष्ट करना. इयर्स ऑफ फेलियर हैव सैप्ड हिज कॉन्फिडेंस. सैप मतलब एक तरह से उसको कमजोर बना देना, किसी के कॉन्फिडेंस को सैप कर लेना, मतलब कमजोर कर देना किसी चीज को. अपने वाला सैप तो ये है, द लिक्विड इन अ प्लांट और ट्री. इमेजेस दिखा देती हूँ, एलिवेटर के इमेजेस है, ये सारे एलिवेटर्स हैं, ये देख लो ये लिफ्ट इस तरह के भी होते हैं, ये अपन को मॉल्स में ऐसे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है. तो ये सब एलिवेटर्स की दिखा रखी है.
आपकी रियली ये लिख लो, सॉर्ट ऑफ द लिक्विड इन अ प्लांट और ट्री। ये देखो ये रहा, गोंद जैसा लग रहा है ना, गोंद ही है। तो सैप क्या हो गया, लिक्विड। ये देखो ये हमारे वहां पे तो, हमारे गांव में तो बहुत, मतलब बहुत तो नहीं, पेड़ों पे लगा रहता था। ये सैप हो गया, लिक्विड इन अ प्लांट और ट्री। तो ये क्या क्या लेके आया, पाइंट मतलब उसका अमाउंट होता है, जैसे अमाउंट ऑफ लिक्विड पाइंट में भी मेजर किया जाता है इसको, कितना होता है 1 लीटर से कितना। अब मेजर ऑफ लिक्विड 0.57 ऑफ अ लीटर, देर आर 8 पॉइंट्स इन अ गैलॉन। 0.87 होता है 1 लीटर के अंदर, तो कितना, 1 लीटर का मतलब 1 समझ लो, 1 का 0.57%, मतलब लीटर का आधा ही समझ लो, 57 है ना, मतलब ए आधा लीटर समझ लो। पाइंट क्या हो गया, आधे लीटर, आधे लीटर से थोड़ा सा ज्यादा है। अ पाइंट ऑफ मिल्क मतलब आधे लीटर से थोड़ा ज्यादा, 0.57 लीटर। 1 लीटर होता तो ये तो 0.57 मतलब हाफ से थोड़ा सा ज्यादा है। द्रव की एक माप मतलब लिक्विड को मेजर करने के लिए कि कितना लिक्विड है। पाइंट में भी अपन कहते हैं कि यार ये तो पाइंट ही बॉटल है सिर्फ, तो मतलब पाइंट का मतलब क्या हो गया, एक तरह से हाफ मान सकते हो। जीरो एग्जैक्ट ध्यान रखना है तो 0.57, 1 लीटर का 0.57 वाला जो भाग होता है वो। देर आर 8 पॉइंट्स इन अ गैलॉन भी एक यूनिट है मेजर करने के लिए। अ पाइंट ऑफ बियर तो आधा लीटर, पाइंट को हम कह सकते हैं हाफ लीटर। ठीक है, तो ये क्या लेके आ गया, हाफ लीटर आधा लीटर, तो ये लेके आ गया सैप मतलब रस लेके आ गया प्लांट का, गोंद था या जो भी प्लांट का रस था वो लेके आ गया। ठीक है, और इस वाले प्लांट का मतलब इस वाले ट्री का, ब्रिस्टली कॉन पाइन ट्री का जो 4,000 साल पुराना है, इसका हाफ लीटर तो ये रस लेके आ गया। और क्या क्या लेके आया, ये सारी चीजें लेके आया, ये जो भी लिख रखे ना ये सब चीजें ये लेके आया है। और क्या लेके आया है, द टो नेल क्लिपिंग्स फ्रॉम अ टो नेल की, नेल कटर होता है उसको अपन क्लिपर भी बोलते हैं, नेल क्लिपर भी उसको भी बोलते हैं अपन। ठीक है, तो टो नेल पैरों की जो नेल्स हैं, नाखून हैं, पैरों की जो उंगलियां होती हैं उनको हम बोलते हैं टो। यहाँ से लिख लो सारे क्लिपिंग्स क्या है, यहाँ से लिख लो ऐसे, पैरों की उंगलियां काटने के लिए जो अपना जो नेल कटर होता है, नेल क्लिपर कह लो, तो वो लेके आया। वन ऑफ द स्मॉल पार्ट्स लाइक फिंगर्स एट द एंड ऑफ ईच फुट, पैर की उंगली, अंगुली या अंगूठा, तो इनको हम टो बोलते हैं। तो ये लिख लो, चाहे हिंदी में लिख लो चाहे इंग्लिश में लिख लो, तुम्हें जैसे अच्छा लगे वैसे लिख लो। द बिग लिटिल टो, द लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट टो, द पार्ट ऑफ अ सॉक्स शू एटसेट्रा दैट कवर्स योर टोज, जुराब जूते आदि का पंजा या ढकने। टो मतलब हो गया पैरों की उंगलियों को बोलते हैं अपन, या फिर अंगूठे को भी। तो टो क्लिपर, क्लिपर को भी लिख लो, क्लिपर मतलब अपना जो नेल कटर होता है इसको अपन क्लिपर, नेल क्लिपर भी बोलते हैं इसको। नाखून, नाखून काटने का औजार तो अपना नेल कटर ही होता है, तो इसको नेल क्लिपर भी बोलते हैं। अ स्मॉल मेटल टूल यूज्ड फॉर कटिंग थिंग्स, एक छोटा सा मेटल का टूल जो चीजें काटने के लिए काम आता हो, फॉर एग्जाम्पल हेयर और फिंगर नेल्स, आपके मतलब हेयर काटने के काम आएगा उसको भी हम क्लिपर कह देंगे, जैसे कैंची हो गई उसको भी हम क्लिपर कह सकते हैं। फिंगर्स के जो नेल्स होते हैं, फिंगर मतलब अपनी उंगलियां, उंगलियों के जो नेल्स होते हैं जो नाखून होते हैं उनको काटने के लिए जो टूल यूज किया जाता है नेल कटर, मतलब उसको भी हम नेल कटर भी कह देते हैं, नेल क्लिपर भी कह देते हैं। नाखून अथवा बाल काटने का धातु का एक छोटा औजार, कतरनी, कैंची, पेयर ऑफ नेल क्लिपर्स। तो ये एक क्या चीज ले गया है, द टो नेल पैरों की उंगलियां काटने वाला, द टो नेल क्लिपिंग्स
फ्रॉम अ 168 ईयर ओल्ड रशियन फार्मर कॉल्ड पेट्राविच ग्रिगोरो। ये देखो ये इसका नाम है फार्मर का, जो किसान है ना, किसान रशियन किसान है, रशियन जैसे इंडियन हो गया इंडिया का, रशियन, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है ना, दिखा दिया था ना मैंने तुम्हें मैप के अंदर, तो रशिया का जो, वापस दिखा देते हैं चलो, रशिया का जो फार्मर था उसका उस जो वो नेल क्लिपर यूज करता था उस टाइम पे, वो उठा लाया। और ये रहा रशिया, ये देखो ये येलो येलो पूरा रशिया है, ये बहुत बड़ा है, यहाँ तक फैला हुआ है, यहाँ तक पूरा, ये इसमें दिखा नहीं रखा है, व्हाइट व्हाइट आ गया कुछ, ये पूरा रशिया है येलो येलो। तो ये रशिया का कोई फार्मर था, जैसे इंडिया के जो लोग होते हैं उनको अपन बोलते हैं इंडियन, तो रशिया के लोगों को क्या बोलते हैं, रशियन। तो द टो नेल क्लिपिंग फ्रॉम अ 168 ईयर्स ओल्ड रशियन फार्मर, एक रशियन फार्मर था जो कि 168 ईयर्स ओल्ड था, उसका नाम था रशियन फार्मर कॉल्ड, मतलब उस रशियन का नाम था पेट्रोविच ग्रिगोरोविच, ये इसका नाम था। तो इससे वो ये टो नेल क्लिपिंग इससे लेकर आ गया। फिर तीसरी क्या चीज, एन एग, एक अंडा लेके आया, लेड बाय अ 200 ईयर ओल्ड टॉर्टोइज। टॉर्टोइज जो कछुआ है ना, 200 साल, मतलब 200 साल का जो कछुआ है, 200 साल का जो कछुआ है उसका, उसके द्वारा दिया गया अंडा वो लेके आया, बिलोंगिंग टू द किंग ऑफ टोंगा, किंग ऑफ टोंगा को मतलब, तो वो अंडा ले आया, एन एग लेड बाय अ 200 ईयर ओल्ड टॉर्टोइज बिलोंगिंग टू द किंग ऑफ टोंगा। तो किंग ऑफ टोंगा का होगा ये टॉर्टोइस, इसके द्वारा जो अंडा दिया गया वो अंडा उठा लाया वहां से। तो पुरानी पुरानी चीजें लेके आए सारे। द टेल, टेल मतलब होती है पूंछ, घोड़े की पूंछ, हॉर्स की पूंछ, घोड़े की पूंछ होती है पीछे, कितनी प्यारी होती है, उसमें कितने कितने बाल होते हैं, बहुत प्यारी होती है। तो द टेल ऑफ अ 51 ईयर ओल्ड हॉर्स, 51 साल के हॉर्स, 51 ईयर्स ओल्ड, इतने साल के, 51 साल के हॉर्स की टेल ले आया, पूंछ ले आया इन अरेबिया। ये हॉर्स कहाँ का था, ठीक है, यहाँ से ये लेके आ गया। और क्या लेके आया, द विस्कर्स ऑफ अ 36 ईयर ओल्ड कैट। विस्कर्स होते हैं कैट के आगे बाल नहीं होते मुंह पे, उनको बोलते हैं। द विस्कर्स ऑफ अ 36 ईयर ओल्ड कैट कॉल्ड क्रम्पेट्स, फिर भी विस्कर्स का यहां से भी लिख लो। चूहे बिल्ली आदि के मुंह पर का लंबा, वन ऑफ द लॉन्ग हेयर्स दैट ग्रो नियर द माउथ ऑफ सम एनिमल्स सच एज अ माउस कैट एटसेट्रा। चूहे के भी देखे होंगे यहाँ मुंह के पास में लंबे लंबे से बाल रहते हैं, और कैट के भी रहते हैं, तो उनको हम विस्कर्स बोलते हैं बालों को। तो द विस्कर्स ऑफ अ 36 ईयर ओल्ड कैट कॉल्ड ट्रम्पेट, ट्रम्पेट इस कैट का नाम है, ठीक है। तो ट्रम्पेट जो कैट है वो 36 साल की, 36 साल की कैट है, और इसके विस्कर्स, तो इसके जो बाल थे ना उनको निकाल के लाया, काट के लाया, कैंची से काट लाया, कैसे भी लेके आ गया। An old flea which had lived on crumpets for 36 years. अब old flea, flea अपन ने अभी पढ़ा था, ये रहा flea, क्या होता है, वो insect, वो कीड़ा मकोड़ा, living कीड़ा मकोड़ा मतलब जीवित है वो जो कि cats के skin पे रहता हो, body पे रहता हो, या फिर dogs से रहता हो, ठीक है, जो कैट या डॉग की बॉडी पे जो पाया जाता है उसको बोलते हैं फ्ली। तो एन ओल्ड फ्ली इंसेक्ट लेके आ गया, जो कि ट्रम्पेट के ही उसमें छुपा हुआ था बालों में, तो उसको भी निकाल, 36 ईयर ओल्ड था ये जो फ्ली था, ये जो इंसेक्ट था ये 36 साल का इंसेक्ट था। द टेल ऑफ अ 207 ईयर ओल्ड जायंट रैट, जायंट का मतलब होता है बड़ा, जायंट मतलब विशाल,
बड़ा के लिए हम जायंट यूज करते हैं, या जायंट ट्री, बहुत ही बड़ा पेड़ हो जैसे। तो जायंट रेड, रेड होता है चूहा, फ्रॉम तिब्बत। तिब्बत से क्या लेके आ गया, तिब्बत चाइना के अंदर है, ठीक है। तो तिब्बत से क्या लेके आ गया, जायंट रेड, बहुत ही बड़ा रेड रेड लेके आया, चूहा लेके आया। तो कितने साल का था, 207 ईयर्स ओल्ड था, मतलब 207 साल का था वो, 207 मतलब उसकी एज थी उस रेड की। तो उसकी पूंछ निकाल के ले आया, पूंछ काट काट लाया, या कैसे भी उसकी पूंछ ले आया, काट के लाया होगा। द टेल ऑफ अ 207 ईयर ओल्ड जायंट रैट फ्रॉम तिब्बत से ये लेके आ गया। द ब्लैक ऑफ अ 97 ईयर ओल्ड थ्री मालकिन लिविंग इन अ केव ऑन माउंट पोपो कैटी पीटल। ब्लैक टीथ, काले कलर का दांत। अब टीथ है मतलब वो दो चार दांत दाता लेके आए। टूथ, टूथ होता ना, तो टूथ क्या होता है, एक ही दांत को बोलते हैं, मतलब एक दांत सिंगुलर। टीथ मतलब प्लूरल, दो दांत हो गए, दो या दो से ज्यादा जो दांत होते हैं उसको हम बोलते हैं टीथ। अगर सिर्फ एक दांत की हम बात करें तो हम बोलते हैं टूथ, टी डबल ओ टी एच, टूथ एक दांत, और टीथ बहुत सारे दांत, मतलब दो या दो से ज्यादा। तो ब्लैक कलर के टीथ ले आया, दांत लेके आ गया, और 97 ईयर ओल्ड ग्री मालकिन लिविंग इन अ केव, एक गुफा में ये रहती थी ग्री मालकिन, एक केव में रहती थी गुफा में, ऑन माउंट पोपो, इस जगह पे माउंट पोपो कैटी पीटल, इस जगह पे मतलब वो ये रहती थी ग्री मालकिन। तो इसकी इसका टूथ टीथ लेके आ गए, इसके दांत ले आए दो चार, इसके दांत निकाल के ले आए, और इसके बेचारी के दांत लेके आ गए, ये खाना कैसे खाएगी, इसके दांत निकाल लाया, और जो रैट की टेल पूंछ काट के क्या क्या चीजें उठा लाए, देखो बिल्ली के तो चलो विस्करी लेके आया सिर्फ, और फ्ली को ले आया, ठीक है। आगे द नकल बोन्स ऑफ अ 700 ईयर ओल्ड कैटालो फ्रॉम पेरू। पेरू से 700 ईयर ओल्ड ये जो कैटालो है, कैटालो है जो पेरू में रहता है, इसके क्या लिया है, नकल बोन। नकल होते हैं अपने जो अंगूठा होता है ना, मतलब ये जो जो फिंगर्स, अपना जो हाथ होता है, इस फिंगर को जब अपन मुक्का बनाते हैं तो ऊपर ये जो दिखाई देते हैं इनको नकल्स बोलते हैं, तो इनकी बोन्स को नकल बोन। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, यहाँ से देख लेते हैं बारे। उंगली की गांठ जहां वह हथेली से जुड़ती है। The bones where your fingers join the rest of your hand. देखो जब आप मुट्ठी बनाओगे ना, मुट्ठी बनाते हैं जब आप, तो ये जो अपने ऊपर ये जो हड्डियां हड्डियां नहीं दिखाई दे रही, अपनी उंगलियां अपने हाथ से जुड़ रही है, मतलब अपनी हथेली से, पाम से, अपनी हथेली से जब उंगलियां जुड़ती है, तो जब मुक्का बनाओगे तो पीछे से देखो ऊपर उठ रहे हैं ना हड्डी, हड्डी उठ रही है, एक दो तीन चार, तो ये अंगूठी की हड्डी है। तो जो चार हड्डियां उठती हैं जिससे अपन किसी को मुक्का मार दे तो उसके दांत भी टूट सकते हैं, तो ये जो इनको हम बोलते हैं नकल बोलते हैं इनको, ठीक है। The bones where your finger joins the rest of your hand, उंगली की गांठ जहां हथेली से, तो नकल बोन ले आई, हड्डियां ले आया इसकी, 700 साल की थी ये कैटालो फ्रॉम पेरू, इसकी हड्डियां लेके आ गया। तो ये सारी चीजें ये उठा के ले आया, आगे कल पढ़ेंगे, पहले ये कर लेते हैं बस आज कॉम्प्रीहेंशन चेक, ये आंसर तुम बताओगे सौरभ, ठीक है। चूज द राइट, इसमें से राइट आंसर चूज करना है। मिस्टर विली वोंका इज, जो मिस्टर विली वोंका है ये एक कुक है, कुक मतलब रसोईया, खाना बनाने वाला, कुक जो खाना बनाता है। इन्वेंटर, आविष्कारक है, या फिर एक मैनेजर है, बताओ ए बी सी तीनों में से क्या आंसर होगा। इन्वेंटर, बहुत अच्छे, वेरी गुड। वोंका वाइट मेक्स पीपल, जो वोंका वाइट जो बनाई है ना विली वोंका ने, वोंका वाइट नाम दवाई बनाई है, ये लोगों को क्या बना देती है, ओल्डर बना देती है, मतलब बड़ा बना देती है, या यंगर छोटा बना देती है, वो यंगर यंगर, बहुत अच्छे।
मिस्टर वोंका वॉन्ट्स टू इन्वेंट अ न्यू थिंग. अब मिस्टर वोंका को एक नई चीज इन्वेंट करनी है, नई चीज का आविष्कार करना है, विच विल मेक पीपल, जो लोगों को यंगर बना देगी, छोटा बना देगी या फिर ओल्डर. कौन सी चीज का आविष्कार? ओल्डर. यंगर का तो कर चुका है पहले ही, तो अब ओल्डर का करना चाहते हैं. ठीक है, बहुत अच्छे सौरभ, वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर टू बताओ. कैन एनीवन्स एज बी अ माइनस नंबर? क्या किसी की एज माइनस नंबर में हो सकती है? यस या नो? इसके हिसाब से वैसे तो नहीं हो सकती, लेकिन इस स्टोरी के हिसाब से तो यस ही है. कैन एनीवन्स एज बी अ माइनस नंबर? तो हम तो लिखेंगे, वैसे तो नो लिखेंगे हम इसको, बट स्टोरी के हिसाब से तो यस होना चाहिए. व्हाट डज माइनस 87 मींस? माइनस 87 का मतलब क्या होगा? तो इसका ये लिखना है आंसर. माइनस 87 का मतलब जो ऊपर लिखा हुआ है ना, माइनस 87 का मतलब ये हुआ कि उसको 87 ईयर्स तक वेट करना पड़ेगा, उसको अपीयर, दिखाई देने के लिए 87 ईयर्स बाद ही वो दिखाई देगा. ये एज इट इज ये लाइन लिख देना है यहाँ पे. माइनस 87 का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ था ना, कहाँ आया था? माइनस 87 का मतलब ये होता है, विच मीन्स माइनस 87 मीन्स, ऐसे लिख देना इसको, माइनस 87 मीन्स ही हैज गॉट टू वेट 87 इयर्स बिफोर ही कैन कम बैक. मतलब माइनस 87 का मतलब ये होता है, मैं हिंदी में समझा देती हूँ इसका मतलब क्या है. माइनस 87 का मतलब ये है कि उसको 87 इयर्स तक वेट करना पड़ेगा, जब वो 1 साल का होगा फिर वो मतलब दिखाई देने लग जाएगा. ही कैन कम बैक मतलब वो वापस आ सकता है, गायब हो गया ना तो वो 87 साल तक वेट करेगा, उसके बाद ही वो वापस आ पाएगा. अब नहीं आ सकता वो वापस जो गायब हो गया. तो इसका मतलब ये है, मिस्टर वोंका बिगिंस बाय आस्किंग हिमसेल्फ टू क्वेश्चन, व्हाट आर दे? मिस्टर वोंका खुद से दो क्वेश्चंस पूछता है. क्या क्वेश्चन पूछता है वो दो? व्हाट इज ओल्डेस्ट, वो पूछता है ना कि ओल्डेस्ट चीज, दो क्वेश्चन इसने यहाँ पे, ये दो क्वेश्चन पूछता है, ये लिखते हैं इसमें. व्हाट इज द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड? सौरभ पहला तो ये पूछता है, वो खुद से ये पूछता है कि कौन सी चीज है जो ओल्डेस्ट है, सबसे पुरानी वर्ल्ड के अंदर. और दूसरा ये पूछता है, व्हाट लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स? जो किसी और से मतलब जो बहुत ज्यादा लंबे हो, जैसे इंसान के कंपैरेटिवली जो ट्री, ट्री कितने लंबे से. तो दो क्वेश्चन पूछे थे उसने. तो ये हमारा हो गया पूरा, बाकी का कल कर.